Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today's lecture is Scrofulaceae, and there is another Liliaceae family we have. Lekin Scrofulaceae family hum pehle karenge. Scrofulaceae family economic importance ke hawale se is tarah se jo hai important hai ki iska ek plant jo ki digitalis hai wo use hota hai for congestive heart failure disease ke andar, isliye is family ko jo hai digitalis ki economic importance ke hawale se bhi yaad kiya jata hai. Theek hai, there are about 2800 species, about 200 genera of Scrofulaceae distributed worldwide. Many grow in North America. The name was derived from European species of Scrofuria, common fig wort. क्योंकि पहले जमाने में जो fig wort है ना, ये use किया जाता था जब cow में, cow के milk के अंदर tuberculosis, जब cow को tuberculosis होता था, उसका milk जो है infected आने लगता था, तो उसको कम करने के लिए जो है ये फिग वर्ड यूज किया जाता था. तो पुराने जमाने में इसलिए यूज किया जाता था, उस फैमिली का पहले इसी वजह से जो है इसकी ये जो पर ये आपको ये फ्लावर्स नजर आ रहे हैं ना, ये फिग वर्ड के हैं सारे. लेकिन उसके बाद फॉक्सग्लोव यानी कि डिजिटलिस भी जो है वो उसको यूज किया गया फॉर व्हाट, फॉर कार्डियक हार्ट स्टिमुलेंट है और कार्डियक के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्रॉस मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से फॉक्सग्लोव, जबकि ऑर्नामेंटल पर्पस के हिसाब से एंटेरिनियम और स्नैपड्रैगन, ये जो दो ये फ्लावर है ये जो है ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन इज डिजिटलिस, सिनोनिम फॉक्सग्लोव या डिजिटलिस लीव भी कहा जाता है. बायोलॉजिकल ओरिजिन डिजिटलिस पर्प्यूरिया और डिजिटलिस लेनेटा दोनों हैं इसके जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है. स्क्रोफोरियासी फैमिली इज रिक्वायर्ड टू कंटेन एटलीस्ट 0.3% ऑफ टोटल कार्डिनोलाइट्स कैलकुलेटेड एज डिजिटॉक्सिन. इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कार्डिनोलाइट्स और बफरडिनोलाइट्स. कार्डिनोलाइट्स जो है वो उनमें डिजिटॉक्सिन एक कॉमन फैक्टर है. ये कार्डिनोलाइट्स और जो बफरडिनोलाइट्स हैं इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है. ठीक है, वो आप लेटर भी पढ़ेंगे इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी. आफ्टर कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड लीव्स आर ड्राइड इमीडिएटली एट अ टेंपरेचर नॉट एक्सीडिंग टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. दिस इज द पिक्चर ऑफ डिजिटलिस पर्प्यूरिया पर्पल फॉक्सग्लोव, जबकि जो लेनेटा होता है ना उसके यही सिंपल सेम फ्लावर्स होते हैं बट व्हाइट कलर के होते हैं. Habitat, it is a biennial herb which is grown in England and also cultivated in India, Europe and USA. Cultivation या collection, it is propagated by seeds. It requires calcareous, acidic, sandy soil for growth. Seeds are very small in size, that is 100 seeds weigh about 40 to 70 milligram only. The seeds are mixed with fine sand and sown in nursery bed in March and April. Young seedlings are transplanted in September, November. Crop is manured and kept free from weeds. Activity of the leaves is due to its glycosides, glycosidal content ki wajah se hai, presence of moisture and enzymes that is digi purpurosidase and oxidase causes deterioration. Agar inme ye enzymes maujood rahe moisture ki presence mein, isi wajah se isko dry kiya jata hai, to moisture ki presence ki wajah se is in ki enzymes ki activity ki wajah se digitalis glycoside jo hai wo lost ho jata hai ya change ho jata hai. Theek hai, microscopy कलर इसका डार्क येलोइश ग्रीन, डार्क ग्रेश ग्रीन ऑर्डर लेस होता है. टेस्ट इसका बिटर होता है और जो इसके पत्ते होते हैं ना वो ओवेट, लेंसिलेट और पेटियोलेट होते हैं. ये इसकी पिक्चर है फ्रॉम द गार्डन. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, डिजिटलिस कंटेन्स 0.2 to 0.45% ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स. प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स में इसके परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी, जबकि सेकेंडरी में डिजिटॉक्सिन, जिटॉक्सिन और जिटरलॉक्सिन है. ये जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स हैं ये लेस सिग्निफिकेंट हैं इस वजह से क्योंकि ये थोड़े से लेस स्टेबल भी होते हैं और इनकी एक्टिविटी भी कम होती है, जबकि सेकेंडरी इसके डिजिटॉक्सिन, जाइटोटॉक्सिन और जिटरलॉक्सिन ये तीनों जो है वो जो है ग्लाइकोसाइड जो है वो स्टेबल भी हैं और एक्टिव भी हैं मोर. अच्छा, जेटेटोक्सिजनिन और जेटेटोक्सिन में इसके स्ट्रक्चर जो इस ये स्ट्रक्चर होता है ना जो ये कार्डिनोलाइट्स बफरडिनोलाइट्स मैंने आपको बताया, जो मेजर जो
डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स हैं, उनमें ये साइक्लोपेंटेनोफेनिलीन रिंग होती है, फोर मेंबर रिंग होती है, उसके साथ ये लेक्टोन रिंग अटैच्ड होती है. इसके डिफरेंस, इसके जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ना, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिर्फ ये जो R1 और R2 की जो पोजीशन है वो चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल जिटेट ऑक्सीजनिन के अंदर, इन दोनों के अंदर R1 इज सेम दैट इज H, जबकि R2 जो है वो एक के अंदर OH और एक के अंदर H होता है. It is used in the treatment of congestive heart failure. It increases excitability of cardiac muscles and produce more powerful contraction. Cardiac जो muscle weak हो रहे होते हैं ना, उनको ये एक नई जिंदगी समझ देता है और वो contract करने, उसकी contractility है ना heart की, वो बढ़ जाती है. The improvement through kidney results in diuresis and loss of edema. That's why जब वो heart भी सही काम नहीं करता तो edema होने लगता है ना. उस हालत में भी, क्योंकि किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है तो डायरोसिस होती है ज्यादा, उसकी वजह से एडिमा कम होता है. इट इज इफेक्टिव इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड टू रिलीव वेनस कंजेशन, एंड इट इज यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक. द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटलिस इज दैट इट हैज क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स शुड बी अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन. क्योंकि इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, एक इकट्ठा इसके दो तीन ऑर्गन्स पे एक जैसा इफेक्ट होता है, इसलिए इसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करके डोज दी जाती है. डिजिटलिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? It is the powder digitalis prepared from the dried leaves of digitalis. It is an official preparation along with the digitalis tablet, digitalis tincture and digoxin injection. Iska matlab hai ki ye aapko iski preparation pharmacopeial compendia ya jo wo hain kya naam hai, jise standardized books kehte hain, uske andar aapko iski preparations milengi. Storage, it should be stored in well closed container in cool place away from light. Leaves do not contain more than 5% of moisture because it causes the destruction of glycosides and ultimately the loss of cardiac activity on storage. इसको adulterate भी किया जाता है. adulterate किए दोनों जो हैं ये adulterated, इसके adulteration करने वाले plants हैं, जिसको mullein leaf, ये mullein leaf है और ये comfrey leaves है, ठीक है. Next is Barbasicum thapus. Barbasicum thapus scrofuliaceae के तौर पे यूज होता है. इसके कॉमन नेम बहुत सारे हैं क्योंकि ये जो है दुनिया भर में बहुत सारी जगह पे पाया जाता है और हर जगह इसका अपना ही एक नाम है जिसे दिया गया है. इसको जो है ये पोर्चुगल और उस किस्म के एरियाज के नेटिव है बेसिकली, ठीक है. Habitat, a weed of pastures, roadsides, railway, distributed sites, waste areas, stone ruby beds, कहीं मतलब बहुत सारा habitat है इसका और ये हर तरह के environment में हो जाता है. इसके distinguishing feature क्या है? A large short-lived herbaceous plant growing up to 3 meter tall. A basal rosette of very large leaves is initially produced, followed by a single upright main stem. Stem and leaves are densely haired and either grayish, green or silver in appearance. The alternately arranged stem leaves reduce in size and become narrow towards the top of the plant. These leaves are stalkless and their bases from wings along the stem. Its yellow flowers are densely arranged in a large elongated cluster at the top of the stem, as you can see in this picture. In small fruit capsule are covered with tiny hairs, जैसे इसमें लिखा है, इसमें दिख रहा है. पाकिस्तान में ये बहुत सारे नामों से पाया जाता है, लेकिन मैंने इसको कार्गबुक जो है सिर्फ एक लिखा है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम है. तो इसके भी पाकिस्तान में भी इसे न्यूमरस नेम्स थे, बट आई नो रिटेन ओनली वन. जनरल यूजेस, फ्लावर एक्सट्रैक्ट इन हॉट वाटर इज यूज एज डाई टू टर्न हेयर अ गोल्डन कलर. डाई इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, जबकि अगर उसके अंदर, उस डाई के अंदर एसिडिफिकेशन कर दी जाए तो वो ग्रीन डाई में चेंज हो जाता है. Leaves are used in insulation shoes to keep the feet warm. Also, mullein was used as a useful fish poison. Fish poisoning में भी यूज होता है. The stems are used as torches, tinders, wicks of candles, etc. इतना medicinal use क्या है इसका? A widely distributed plant has various reported communities worldwide use करते हैं इसको disorders of for both human and animals. इसके इतने सारे हैं, ये मैंने इसकी पूरी एक लिस्ट कंपाइल की है, एक लिस्ट ली है. ये इसकी लिस्ट है कि इसके कौन से पार्ट यूज होता है, किस कमेटी में और कहाँ पे यूज होता है.
ट्यूबरकुलोसिस में आयरलैंड में एज अ रेमेडी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मालाकंड पाकिस्तान में स्किन डिजीजेस कट्स वाउंड स्वेलिंग के लिए, कनाडा में एयर प्रॉब्लम्स, इटली में इमोलियन अगेंस्ट कैटरेक्ट या कफ कैटाप्लाज्म, उसके बाद टर्की में डायोरेटिक एक्सपेक्टोरेंट, ये पूरी एक इसके उसकी लिस्ट है कि ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम दूसरी करेंगे, नेक्स्ट फैमिली इज लिबेटी फैमिली, या इसको मिंट फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है, लेमिएसी फैमिली, इसमें 180 जनरा हैं, 3,500 स्पीशीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेडिटेरेनियन ओरिजिन। अच्छा, इसकी कुछ स्पेसिफिक जो है इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि हर्ब्स है विद ऑपोजिट साइड लीव्स पर स्टेम, ओवरी इसकी डीपली फोर लोब्ड होती है, ये जो है फोर लोब्ड आप ओवरी देख सकते हैं। उसके बाद इसके फ्लावर जो होते हैं बल्बिएट फ्लावर, बल्बिएट फ्लावर यानी इस किस्म के फ्लावर्स होते हैं जिनकी बबल शेप का इनका होता है। रिकग्निशन कैरेक्टर्स में इसके आते हैं हर्ब्स, हर्ब्स विद स्क्वायर स्टेम्स, लीव इसकी ऑपोजिट होती है, मिंटी इसका ऑर्डर होता है, समटाइम्स फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, ऑफन बल्बिएट, ओवरी फोर लोब स्टाइल गाइनोबेसिक, फ्रूट इसका नकलेट होता है। इसके डिफरेंट फैमिली के जो है वो है डिफरेंट कल्नरी पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, बासिल ऑरिगैनो रोजमेरी सेज सेवरियन थाइम, ये थाइम है, मिंट रोजमेरी सेज ऑरिगैनो और बासिल, ये सारे जो है इसको कल्नरी ऑफ कल्नरी हर्ब्स भी कहते हैं, ये सारे मिंट फैमिली के अंदर आते हैं। उसके अलावा फ्रेग्रेंस के लिए एक ये पोगो स्टिमोन कैबलिन, ये इसके जो वॉलेटाइल कंटेंट्स हैं वो यूज होते हैं फॉर फ्रेग्रेंस। उसके अलावा लेवेंडर का तो आपको पता ही है कि लेवेंडर भी यूज होता है, इसी फैमिली का है। प्लांट्स में जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं वो है स्पियरमेंट, ओसिमम और सेल्विया। स्पियरमेंट को मिंट या पुदीना भी कहते हैं। स्पियरमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स टॉप ऑफ मेंथा स्पिकाटा फैमिली लेबिएटी हैबिटेट। द प्लांट इज फाउंड इन यूरोप एंड एशियन कंट्रीज एंड वाइडली कल्टीवेटेड इन यूएसए। कैरेक्टर्स, मिंट इज ग्लैबरस हर्ब आइडेंटिकल टू पेपरमिंट, 30 सेंटीमीटर हाई एंड विद क्रीपी creeping rhizomes, but the stems are usually more purple, leaves are more or less crumpled, opposite, ovate, lanceolate and 3 to 7 centimeter long. The apex is acute or acuminate and the margin usually unequally serrate. The leaves are almost sessile with bright green color, free from purple. Inflorescence is slender, interrupted cylindrical spikes or crowded lanceolate spike with 7 to 10 mm long. Chemical constituents, pigment consists of volatile oils, 0.5% resins and tannins. The principal component is corvine, along with some other monoterpenic constituents like limonene, philandrine, diphenidine, dihydrocarbinol acetate, cyanol, pinene, and lyolol. Spearmint is used as flavoring agent, spice and carminative. It is a stimulant, digestive, spasmolytic and diuretic property. It is given in fever, vomiting, bronchitis and employed as lotion in ampate. Green leaves are used for making chutney and for flavoring culinary preparations, vinegar jellies and cold drinks. A soothing tea is brewed from the leaves. A sweetened infusion of the herb is given as a remedy for infertile troubles, vomiting and pregnancy and hysteria. Osimum tulsi bhi kehlata hai. Tulsi dry leaves of Osimum sanctum. The plant is cultivated throughout India, especially in Hindu houses and temples of worship, kyunki isko unke yahan ek religious importance hasil hai. Chemical constituent, leaves contain 0.7% of volatile oil. The prominent constituents of the ascension oil are eugenol, methyl eugenol and caryophyllene. The oil of species grown in Philippines contains methyl chavicol, cyanol and linalol. Uses, it uses expectorant, diaphoretic, antiperiodic, anticatechal, antiseptic and spasmolytic properties are used in carom, bronchitis, cold, cough, fever and gastric disorders. The leaves have been employed as aromatic, carminative, stimulant and flavoring agent.
अब हमारी सिर्फ दो रह गई हैं, इंशाल्लाह हम वो भी कर लेंगे।